हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फ्लिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूं, ऐसे ही फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक स्लिप मोड वाले प्रॉब्लम वाला एक हैंडसेट है हमारे पास, जो कि J8 है 810F। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा और इसका मॉडल भी यहाँ पे देख सकते हैं, 810F इसका मॉडल है। तो इसका प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, ये मोबाइल जब ऑन होता है तो पूरा डिस्प्ले आता है और कितनी देर आप यूज करेंगे वो डिस्प्ले रहेगा, लेकिन जैसे आप इसे यूज करना बंद कर देंगे और जैसे ये स्लीप मोड में चला जाएगा तो वापस ये पावर की दबाने के बाद में इसका डिस्प्ले या लाइट वगैरह कुछ वापस नहीं जलता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये मोबाइल मेरे हाथ में ऑन है और यहाँ पे मैं आपको एक बार चार्जर लगा के बताना चाहूंगा, तो चार्जिंग लगाने पर भी इसके डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्पियर चार्जिंग का ले रहा है, बट यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं आ रही, और इसमें मैंने दूसरा कुछ भी चार्जिंग पे नहीं लगाया है, देख सकते हैं ये वायर खाली है, तो डिस्प्ले का लाइट वापस से नहीं जल रहा है, लेकिन मोबाइल पूरी तरह से ऑन है। हमने डीसी से चेक कर लिया है और सिम वगैरह डाल के भी हमने चेक कर लिया है। एक बार मैं आपको इसको वापस से बंद करके आपको ऑफ करके ऑन करके बताता हूँ। देख सकते हैं ये बैटरी मैंने निकाल दी है, यहाँ बताना चाहूंगा मैं ये बैटरी मैंने निकाल दी है। अब बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगाकर मैं इसे ऑन करके बताऊंगा आपको। तो ये दो जो दिख रहे हैं इसके, ये पावर की के टिप्स है इसके, तो जैसे मैं पावर की यहाँ प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। अब ये जब तक चलेगा फ्रेंड, डिस्प्ले जब तक रहेगा ये ऑन रहेगा, लाइट और ग्राफिक दोनों रहेगी इसमें। और ये डिस्प्ले थोड़ा सा टूटा हुआ है, स्टूडेंट का डिस्प्ले है ये, मैं जिसके अंदर वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास डिस्प्ले नहीं है, स्टूडेंट से मैंने लिया है। और ये देख सकते हैं अभी ये पूरा खुलेगा, और ये जो फ़ोन लेके आए थे हमारे पास स्टूडेंट ही लेके आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट इसकी दिख रही होगी आपको सैमसंग का, और ये पूरा खुलेगा और जब तक यूज़ करना है वो यूज़ होगा, उसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स इसका लाइट चला जाएगा। देख सकते हैं आप, ये इसका डिस्प्ले आ चुका है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अभी चल रहा है, टच वगैरह भी चल रहा है इसका, अगर मैं इमरजेंसी में डाल दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसका टच वगैरह भी चल रहा है। अब जैसे ये स्लीप मोड में चला जाता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, अभी ये स्लीप मोड में जाने के बाद वापस से अगर मैं पावर की दबा के भी बता देता हूँ और ये चार्जर लगा के बताता हूँ, यहाँ पे आप देखिए मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, स्किप बिल्कुल नहीं करूँगा, कंटिन्यू में मैं बताना चाहूँगा आपको। अब जैसे ही ये मोबाइल स्लीप मोड में चला जाएगा तो वापस से ये चार्जर लगाने पर भी ऊपर डिस्प्ले या लाइट वगैरह कुछ भी नहीं चलेगी, और पावर की भी मैं प्रेस करके बता दूंगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अभी हमारा हैंडसेट स्लीप मोड में जा चुका है, अभी मैं इसमें चार्जर लगाऊंगा, इसमें सॉरी अभी जाएगा ये, स्लीप मोड में जाने देते हैं इसको, क्योंकि इसका लाइट डिम होने से मुझे लगा कि स्लीप मोड में चला गया। तो अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लीप मोड में नहीं गया, तो एक बार मैं इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लीप मोड में जा चुका है हैंडसेट, अभी मैं यहाँ पे चार्जर लगा के चेक करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का एम्पियर तो ले रहा है, बट ये हैंडसेट हमारा यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, जब तक ऑन था लेकिन जैसे ये स्लीप मोड में चला गया, ये देख सकते हैं वापस मैं चार्जर निकाल के यहाँ पे लगा के भी बताना चाहूँगा एक बार। देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर भी यहाँ पे ले रहा है, लेकिन चार्जिंग का डिस्प्ले लोगों को कुछ नहीं आ रहा है। और एक बार मैं पावर की को भी ऐसे प्रेस करके बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों इसके पावर की मैंने शॉर्ट कर दिए हैं, ये देख सकते हैं कोई भी इसमें वापस से डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें करना क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा।
सैमसंग के वन प्लस के और काफी सारे एमआई के मॉडल्स ऐसे होते हैं फिर जिसमें आपका मोबाइल स्लीप मोड में तो चला जाता है ऑन होने के बाद, जब तक चलेगा चलेगा, लेकिन जब स्लीप मोड में एक बार चला जाएगा तो वापस ये स्लीप मोड से वापस उठने वाला है नहीं। आप चाहे चार्जर लगा लें, चाहे आप पावर की प्रेस कर लें, ये वापस से इसका डिस्प्ले या लाइट नहीं आएगा। फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा मोबाइल, फिर इसका लाइट आएगा। तो ऐसा तो कस्टमर यूज नहीं कर सकता फ्रेंड्स, क्योंकि पावर की दबाने पे उसमें डिस्प्ले और लाइट आना चाहिए। तो इसमें होता क्या फ्रेंड्स, एक हॉल सेंसर ऐसी होता है, जैसे कि आपने सैमसंग के काफी सारे मॉडल्स में फ्लिप कवर वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, हॉल सेंसर में प्रॉब्लम आने की वजह से या उसकी ट्रैक में प्रॉब्लम आने की वजह से या सीपीयू से जो उसको ट्रिगर देने वाली लाइन है, हॉल सेंसर से सीपीयू तक जो लाइन जाती है वो ट्रैक मिस होने के कारण या सीपीयू ड्राइव फोल्डिंग होने के कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी मैं लाइव आपको यहाँ पे ट्रेस करके बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक बार मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप में बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसका हैंडसेट का ये डायग्राम है, जे जो है 810 हमने यहाँ पे खोल के रखा है। तो फ्रेंड्स इसमें हमको नहीं पता कि हॉल सेंसर आईसी कहाँ पे है, तो आपको डायग्राम में आना है। ये देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है, स्केमेटिक डायग्राम में यहाँ पे आके हम लिख देंगे यहाँ पे हॉल लिख देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे हॉल लिख देंगे तो मैं यहाँ पे चेक करके बताता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हॉल लिख दिया है, और जैसे मैं यहाँ पे हॉल लिख दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये फ्लिप कवर डिटेक्शन बोल के यहाँ पे लिख के आ गया है। और ये इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा आपको एक आईसी मिलेगा, जिसमें यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखेंगे इस तरह के चार बॉल मिलेंगे। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, एक पिन इसकी ग्राउंड होती है, एक एनसी होती है, एक इनपुट सप्लाई, एक आउटपुट सप्लाई। इनपुट में जो होती है वीरेग L5 LDO 5 से पावर आईसी में से, इसमें जो पावर लग के PM8953 लग के हैं, तो इसमें आपको पावर आईसी के LDO नंबर 5 से 1.8 की सप्लाई इस कॉइल के थ्रू इसमें इन होती है। और यहाँ पे बीच में एक मैग्नेटिक जो है ना फ्रेंड्स, इसमें सेंसर लगा होता है, जो कि आप इसे मेटल की प्लेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट होकर के निकलता है, तो जब यहाँ से ये वोल्टेज यहाँ से आउट होता है तो यहाँ से सीपीयू तक वो लाइन जाती है। मैं एक बार ट्रेस करके भी बता देता हूँ, और ये बोर्ड में कहाँ लगा है देखना है, तो U3020 हम सर्च कर लेते हैं एक बार, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं लेआउट में आऊँगा और लेआउट में आकर के सर्च करूंगा, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो ये जो लग के फ्रेंड्स चार्जिंग कनेक्टर के जस्ट ऊपर में यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे लग के हैं। तो ये हमारा जो छोटा सा एक आईसी एक बाजू में कनेक्टर है, यहाँ पे ये हमारा आईसी लग के है जिसका नोज कट पॉइंट 1 नंबर यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स इसकी जो ट्रैक होती है हॉल सेंसर INT जो लिख के है यहाँ पे, तो इसको अपने को जूम करना है और नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप हॉल INT। तो ये जो ट्रैक जाती है हमारी ये सीपीयू में जाती है, देख सकते हैं। नेक्स्ट करूंगा तो सीपीयू में जो ट्रैक जा रही है हमारी यहाँ से आप देख सकते हैं GPIO जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, और ये लाइन हमारी AN41 में जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार एनिमेशन में आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे हमने एनिमेशन के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। स्लीप मोड प्रॉब्लम का एक सलूशन है ये फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, जो कि फ्लिप कवर डिटेक्शन भी कहते हैं या तो फिर हॉल सेंसर भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम ले लेंगे एक हॉल सेंसर, जिसमें यहाँ पे आपको चार यहाँ पे बॉल देखने मिलेंगे नीचे इसके, अगर आप देखेंगे तो इस तरह का एक सेंसर होता है ये एक छोटा सा आईसी ही समझ लीजिए, जिसमें चार यहाँ पे पिने दे दी हमने, और ये हमारा पावर आईसी हो गया जो कि PM8953 इसमें लग के है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले इससे एक सप्लाई 1.8 की सप्लाई जो कि पैरेलल में कैपेसिटर और सीरीज में एक कॉइल के थ्रू यहाँ पे इन होती है, जो कि हमारी VDD सप्लाई होती है, जहाँ पे आपको 1.8 का वोल्टेज मिलेगा जो कि LDO 5 से आपको देखने मिलेगा। दूसरी पिन इसकी ग्राउंड होती है, जो कि कॉइल के साथ ग्राउंड किया गया है यहाँ पे, किसी किसी में डायरेक्टली ग्राउंड होगा, ये कॉइल यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये कॉइल यहाँ से मिसिंग होगा तो फिर इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर पिन इसकी NC होती है, और 4 नंबर इसकी आउट पिन होती है, जो कि यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है फ्रेंड, जो 1.8 इन हुआ था वही वोल्टेज यहाँ से जंप होकर के जब वो मैग्नेटिक सेंसर इसमें लगेगा तो उसके थ्रू यहाँ से ये आउट हो जाएगा, और आउट होकर के सीपीयू के अंदर जो अभी मैंने बॉल बताया आपको वहाँ पे हॉल INT करके लिखा देखने मिलेगा आपको, यहाँ से वो वोल्टेज आउट होता है। तो या तो इनपुट में प्रॉब्लम हो सकती है, या ये कॉइल ओपन हो सकते हैं, या कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, ये वाला कॉइल ओपन हो सकता है,
या यहाँ पे तो इसमें इस डायग्राम में यहां से यहां तक कोई भी कंपोनेंट नहीं दिया गया है, तो ये 1.8 का वोल्टेज का ट्रिगर जो सिग्नल है इसको अगर नहीं मिलेगा हॉल आईएनटी की शक्ल में, तो स्लीप मोड में जाने के बाद सीपीयू को पता नहीं चलेगा कि वापस यूजर चाह रहा है कि उसका डिस्प्ले जलाए या लाइट जलाए। या फिर चार्जर भी जब आप लगाते हो तो यहां पे बैटरी लगाते ही यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज आ जाता है फ्रेंड्स आप ऑन करने के बाद, और जैसे ही चार्जर लगाते हैं तो 1.8 का वोल्टेज यहाँ से ये आउट होता है और सीपीयू को जाकर बताता है कि चार्जर लग चुका है, तो यहाँ पे वापस से वो डिस्प्ले पे लाइट और ग्राफिक को वापस से जला देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका प्रॉब्लम है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एलसीडी में बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम ऑन ओपन कर लेंगे, पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैंने बैटरी इसकी निकाल ली है, देख सकते हैं, और इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पे नीचे लग के इसका डिस्प्ले का कनेक्टर होता है, तो डिस्प्ले का कनेक्टर भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डिस्प्ले का कनेक्टर मैंने निकाल लिया है, बैटरी में बाजू रख लिया हूँ, तो पीसीबी को भी बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा हॉल आईसी है यहाँ पे है, और यहाँ पे दो कॉइल्स यहाँ पे लग के हैं। तो अगर इसका एक नंबर पिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे डॉट लग के दिखा आपको, ये एक नंबर पिन है जो कि इसका इनपुट सप्लाई है, जो कि हमारा 1.8 का वोल्टेज यहाँ पे इन होगा। दो नंबर हमारा ये कॉइल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉइल के साथ ये ग्राउंड होगा, और तीन नंबर हमारा एनसी पिन होती है, और चार नंबर हमारा यहाँ से सीपीयू तक ट्रैक जाने चाहिए। तो एक बार हम यहाँ से इनपुट सप्लाई चेक कर लेते हैं, और ये कैपेसिटर बाजू में पैरेलल में लग के है, तो ये दोनों एक ही लाइन से जुड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 1.8 का जो वोल्टेज हमारा LDO 6 से आ रहा है, जो कि मोबाइल ऑन करने के बाद आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर में कूल टेस्टिंग करके आपको बता देता हूँ एक बार कि हमारा जो GR है वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो रेड प्रोब हम यहाँ पे ग्राउंड करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 330 के आसपास GR मिल रहा है, और ऐसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 330 के आसपास GR मिल रहा है। और ये कैपेसिटर और ये कॉइल दोनों आपस में कनेक्टेड है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये देख सकते हैं दोनों कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ से ये लाइन यहाँ पे चले जाती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं। और दूसरी बात, कॉइल के जो एक साइड में 330 आ रहा है, तो दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो 540 के आसपास मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉइल के जो इनपुट में वो वैल्यू आ रही है 330, आउटपुट में भी उतनी ही आनी चाहिए बट ज्यादा वैल्यू आ रही है। देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्रॉस करके बता देता हूँ, ये कॉइल ही है क्योंकि आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखने में तो ये कॉइल लग रहा है, बट फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे काम किया हो और कंपोनेंट देखने में सेम लग रहा हो तो कोई और कंपोनेंट डाल दिया हो, क्योंकि हाई वैल्यू का रेजिस्टर हो या थर्मिस्टर हो तो देखने में सेम ही दिखते हैं, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो डाल देंगे। तो अभी एक बार हम इसकी ट्रैक चेक कर लेते हैं, एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इस कैपेसिटर से। ये कॉइल तो आपस में कनेक्टेड है, बट यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा एक नंबर पिन है यहाँ तक कनेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर पिन के साथ कोई भी बजर नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए कॉइल के साथ भी मैं बजर बजा के देखता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू कोई भी यहाँ पे बजर तो नहीं आ रही है इसके साथ। और क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है किसी ने हाई वैल्यू का रजिस्टर डाल दिया हो। देखिए यहां से अगर हम चेक करेंगे कॉइल के इस साइड से, तो मेरे पास प्रोब मैं बदल लेता हूँ, कॉइल के यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू है, इसको निकाल लेते हैं एक बार। ये देख सकते हैं ग्लू की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये देख सकते हैं ये ट्रैक तो यहां तक ओके है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बीप नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये तो कंटिन्यूटी ओके है, बट यहाँ पे बीप नहीं आ रही है। और ये जो है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे मैं एक बार चेक करके बताना चाहूंगा आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही है इसके अंदर, क्योंकि ये अगर कॉइल होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे बीप आनी चाहिए, बट यहाँ पे हमको कोई भी बीप नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट मिला ये देखने में तो आपको सेम कॉइल जैसा ही लग रहा है, बट ये कॉइल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी ने यहाँ पे काम करके कोई और कंपोनेंट यहाँ पे बदल दिया है, या तो फिर किसी के पास ये बनने के लिए हैंडसेट गया, क्योंकि ये हैंडसेट हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लेके आए। तो अभी इसको फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसको निकालूंगा और एक दूसरा कंपोनेंट रिप्लेस करूंगा, और रिप्लेस करके आपको बताऊंगा।
और अगर हॉट टेस्टिंग में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हमको 1.8 का वोल्टेज मिल जाएगा। तो उसको देखने के लिए आपको करना क्या है, बैटरी यहाँ पे लगानी है। तो एक बार मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ इस तरह से, और बैटरी लगा के चार्जर लगा के भी बताना चाहूँगा आपको, मैं हॉट टेस्टिंग भी बताना चाहूँगा। तो बैटरी मैंने यहाँ पे लगा ली है, और अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे इनपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसके लिए हम डीसी 20 में डालेंगे यहाँ पे, और वोल्टेज चेक करने के लिए ब्लैक प्रोब ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे। तो एक बार मैं चार्जर लगा के आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कोई इनपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार चार्जर लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं। चलिए चार्जर को इन करते हैं, और चार्जर को लगाने के बाद वापस से यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं जल्दी से फटक से। देख सकते हैं फ्रेंड्स 1.8 का वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, बट फ्रेंड्स जब हम मोबाइल को ऑन करेंगे तो यहाँ पे भी हमको वोल्टेज मिलना चाहिए, बट हमें फॉल्ट मिल गया यहीं पे। अगर ये कॉइल होता फ्रेंड्स तो इनपुट में जो वोल्टेज है यहाँ पे भी हमको 1.8 का वोल्टेज मिल जाता। हॉट टेस्टिंग में भी पता हो रहा है आपको यहाँ पे 1.8 आ रहा है, लेकिन इधर पे आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि कॉइल से अगर 1.8 देखिए कैपेसिटर पे भी मिल रहा है, बट कॉइल के एक साइड में मिल रहा है बट दूसरे साइड पे नहीं मिल रहा है। तो यहां से वोल्टेज इन होगा तभी यहां से आउट होकर के सीपीयू को जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक कॉइल यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, और रिप्लेस करने के बाद आपको चेक करके बताता हूं कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए यहां पे हम एक कॉइल निकाल ले, ये वाला जो कंपोनेंट अभी यहां पे लगा के रखा है किसी ने, इसको जल्दी से फटक से निकाल लेने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स इसमें लगा लेते हैं। तो यहां पे ये कंपोनेंट निकाल लेते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है, और एक बार मैं चेक करके भी बता देता हूँ आपको, ये बीप नहीं मार रहा है, बाहर निकालने के बाद में भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार बजर पे रख लेते हैं, और यहाँ पे मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पे बीप नहीं आ रही है। तो ये दो मिलते हैं तो बजेगा, देख सकते हैं ये पूरा बिल्कुल ही कॉइल यहाँ पे कॉइल में कोई बीप नहीं आ रही है, और ये हो सकता है किसी ने थर्मिस्टर रजिस्टर हाई वैल्यू का लगा दिया हो। तो इसको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट लगाते हैं, ये देख सकते हैं जो मैंने निकाला है, ये वाला कंपोनेंट को बाजू रख देता हूँ यहाँ पे, और किसी और स्क्रैप बोर्ड से तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा बोर्ड है, इसमें से कहीं से निकालते हैं हम एक कॉइल, या तो हम उसको डायरेक्टली इनपुट में जंपर भी कर सकते हैं। अगर आपको जंपर करना है तो आप जंपर भी कर सकते हैं, अगर आप एक कॉइल लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप एक कॉइल भी आप डाल सकते हैं। तो बेटर ये होता है फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि कॉम्पोनेंट की जगह कॉम्पोनेंट रिप्लेस करें। तो मुझे यहाँ पे एक कॉइल मिल गया, तो मैं अभी इसको वहाँ पे डाल देता हूँ, उसको डालने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे लगा लेते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं ये कंपोनेंट मैंने यहाँ से निकाल लिया है, और इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ ट्विजर में, और जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो साइज थोड़ा छोटा लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास अभी सेम साइज का कॉइल नहीं मिला, मुझे बस यहाँ पे जंपर ही करना था, बट मैं चाहता हूँ कि जंपर ना करके कंपोनेंट लगाऊं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं मल्टीमीटर में बताना चाहूंगा, जो वैल्यू हमारी इनपुट में आ रही थी वो आउटपुट में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तो ठंडा होने के बाद फिर चेक करेंगे जी आर हमारा जो है नॉर्मल हो चुका है कि नहीं हो चुका है।
आपके पास अगर स्क्रैप बोर्ड है, टाइम है, तो आप सेम साइज का भी डाल सकते हैं यहाँ पे कॉइल, या फिर आप इस लाइन को इनपुट से आउटपुट में जम्पर भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा काम है, बट इसका प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स, हो सकता ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें 327 जो GR है, और वही GR हमको कॉइल के इस साइड में मिलना चाहिए। अब कॉइल के इस साइड में देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेम GR मिल रहा है इनपुट में और आउटपुट में, और यहाँ पे भी हमको सेम GR मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अभी एक बार इसका हॉट टेस्टिंग में भी चेक कर लेते हैं, एक बार बैटरी लगा के चेक कर लेते हैं, उसके बाद ऑन करके देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं बैटरी मैंने लगा ली है, और अब इसको हम चार्जर लगाएंगे, और चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये मैंने चार्जर का वायर ले लिया है, चलिए यहाँ पे लगाते हैं और मल्टीमीटर को डालते हैं DC20 में। तो मल्टीमीटर को DC20 में डाल देंगे, और अभी चेक करते हैं क्या हमारा वोल्टेज यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में सेम मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि कॉइल के इनपुट और आउटपुट में देखिए 1.8 का इनपुट में मिल गया, अब यही वोल्टेज आउटपुट में भी मिला, और यही वोल्टेज हमें सेंसर पे भी मिल रहा है। तो हमारा जो सप्लाई यहाँ से जो जा रहा था फ्रेंड्स, अभी जो कि हमारा 1.8 का वोल्टेज है, वो अभी हमारा यहाँ से सेंसर तक जा रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से जो 4 नंबर पिन है फ्रेंड्स, ये हमारी आउटपुट की पिन है। अब यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको चेक करके बताना चाहूँगा, देख सकते हैं आउटपुट में भी वोल्टेज हमको मिल गया। तो हमारा प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो चलिए एक बार डिस्प्ले लगाते हैं, लगा के हम ऑन करके चेक करते हैं कि स्लीप मोड का हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले लगा लेंगे, और उसके बाद हम बैटरी लगाएंगे। तो डिस्प्ले लगाने के लिए मेरे पास इस तरह का डिस्प्ले है कोई, तो चलिए फ्रेंड्स डिस्प्ले यहाँ पे लग चुका है, और एक बार मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने से पहले मैं चार्जर भी लगा के बताऊंगा आपको कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या। देखिए अभी हमारा मोबाइल तो ऑफ कंडीशन में है, एक बार मैं यहाँ पे चार्जर लगा रहा हूँ, और देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा स्लीप मोड से मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि चार्जिंग का यहाँ पे परसेंटेज आ चुका है, जो कि यहाँ पे पहले चार्जर नहीं ले रहा था। देख सकते हैं एक और बार मैंने यहाँ से निकाल दिया है चार्जिंग का लोगो, और एक बार फिर से मैं लगा के बताना चाहूँगा आपको, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं परसेंटेज पहले शो नहीं कर रहा था। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो एक बार मैं मोबाइल को यहाँ पे ऑन करके आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं हमारे पावर की लाइन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ऑन हो गया तो बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। एक बार मैं स्लीप मोड में भी जा रहा है, जाने के बाद वापस खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये भी आपको एक बार कंफर्म करा दूंगा, क्योंकि चार्जर से सेंस कर चुका है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और ये जो सर्किट हमने बनाया है फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं, इस तरह से अगर आप सर्किट को सीखना चाहते हैं, तो फोन फिक्स हैदराबाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक लाइनों के बारे में आपको बताएंगे, इंटरनल सर्किट बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, आईसी की डाटा शीट कैसे बनाई जाती है, प्रॉब्लम कहां कहां से आ सकता है, इनपुट सप्लाई क्या होती है, INT सप्लाई क्या होती है, नेगेटिव सप्लाई क्या होती है, रीसेट लाइन क्या होता है, I2C, SPI, एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा। ये मोबाइल ऑन होने थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रेंड, जैसे ऑन हो जाता है और ये जैसे स्लीप मोड में जाएगा, तो मैं आपको वापस से चार्जर लगा के बता दूंगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है नहीं चुका है। और मैं पावर की से भी आपको एक बार बता दूंगा कि हमारा स्लीप मोड के बाद वापस से डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभार CPU से भी, ये जो ट्रैक है फ्रेंड्स CPU से भी ब्रेक हो सकता है।
अभी के पास हमारे पास ये कॉइल में इश्यू मिला अभी, तो कभी आपको सीपीयू से प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरत ये होती है कि चेक करने आपको आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास ये कॉइल में प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास पावर में प्रॉब्लम हो, इनपुट सप्लाई नहीं मिली तो भी प्रॉब्लम, आउटपुट अगर नहीं निकला तो भी प्रॉब्लम, अगर से इसमें ये आईसी जो है हॉल आईसी ये ख़राब हो जाए तब भी प्रॉब्लम आएगा, तो ये सारी चीज़ देखनी होती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स स्लीप बोर्ड में जा चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार पीछे से ही ऑन करके बता देता हूँ पावर की से, डिस्प्ले लाइट आ जाए तो बता मैं आगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स स्लीप मोड से हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है, मैंने पावर की से ही किया, चार्जर मैंने नहीं लगाया। एक बार मैं चार्जर से भी बताना चाहूंगा आपको स्लीप मोड में जाने के बाद। तो इस तरह के काफी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आपको देती है, तो आप अगर आना चाहते हैं नेक्स्ट बैच हमारा 27 नवंबर से है, बुक कर सकते हैं, अभी बुकिंग चल रहा है, फ्यू सीटें हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं बल्कि हम काम दिखाते हैं स्टूडेंट्स का कि कैसे काम किया जाता है। ये हैंडसेट भी हमारे पास एक स्टूडेंट ही लेके आए, ये देख सकते हैं स्लीप बोर्ड में जा चुका है। अभी एक बार मैं इसको यहाँ से चार्जर पर लगा के बता दूंगा आपको, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स चार्जिंग पे भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, चार्जिंग से भी ये उठ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है, लॉक डल के है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमने ट्रेसिंग की फॉल्ट को फाइंड आउट किया, कूल टेस्टिंग मेथड और हॉट टेस्टिंग मेथड दोनों से आप प्रॉब्लम को जान सकते हैं, बट जरूरत यह होती है कि डायग्राम आपको रीड करने आना चाहिए, सर्किट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप हेडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। वन प्लस के भी सेटों में आपको, शॉमी के काफी सारे सेटों में आपको ये मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मॉडल का मैंने सोल्यूशन बताया आपको, अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है फ्लिप कवर का या स्लीप बोर्ड का, आप इस वाली आईसी को निकाल के इनपुट से आउटपुट को जम्पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो फ्लिप कवर का जो मसला है वो आपका खत्म हो जाएगा और आपका हैंडसेट अच्छी तरह से काम करेगा। नेक्स्ट बैच 27 नवंबर से बुकिंग चल रहा है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें, देखते रहिए ऐसे ही हमारे चैनल को, जुड़े रहिए फोनफिक्स हैदराबाद की टीम के साथ। हमें सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। हर रोज लाइव फेसबुक पे हम आते हैं, डेली की क्लास बताते हैं कि बच्चे क्या क्या काम सीखे हैं, पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं फ्रेंड्स पूरे इंडिया में इतना ओपन इंस्टीट्यूट कोई नहीं होगा जो कि हर दिन का आपको लाइव बच्चों का काम बताता होगा। तो जरूरत है आपको अगर ट्रेनिंग की तो आ जाइए, जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद की टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।